नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। अब बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम विशम्मत दयाल इंसा है। कहाँ से हो सर? मैं फिरोजाबाद यूपी से हूँ। कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं हाई स्कूल हूँ। सर, आपने देखा होगा कि बाबा राम रहीम जी काफी समय से अब समाज में नहीं है, तो आपको क्या लगता है समाज में अब नहीं है वो, क्या चेंज आया है समाज में? समाज में हमारे पिताजी नहीं है अब, पहले से ज्यादा गुंडागर्दी, नशेखोरी और जो लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब हमारे पास पिताजी थे तो हमें बहुत सारी चीज़ समाज के लिए दी, आज हमारे सामने पिताजी नहीं हैं। वैसे तो हमारे रंग रंग में बसे हुए हैं, समाज के अंदर पिताजी नहीं हैं तो ये जो अपने लड़कियों पर अत्याचार, नशाखोरी, वैश्यावृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमने बहुत देखा है। जब हमारे पिताजी हमारे साथ थे, इस समाज के साथ थे, तो बहुत कुछ सुधर रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। ये देखिए इन्होंने किस तरह से बताया कि समाज में वेश्यावृत्ति और बेटियों के लिए अत्याचार किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और बाबा राम रहीम जी किस तरह से इसको रोक रहे थे। काफी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वो बेटियों के लिए समझा रहे थे, नशे से दूर कर रहे थे। कितना चेंज समाज में आ रहा है, कितनी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है समाज में। लेकिन सर, मीडिया ने तो इतना कुछ दिखाया था डेरा सच्चा सौदा पे बाबा राम रहीम जी के बारे में, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मीडिया की तो कुछ कहने सुनने से परे है, कि मीडिया तो केवल पैसे की है, कि मीडिया सरेआम झूठ बोलती है और झूठ का ही पसोरा पसारती है और झूठ का ही उसका काम है। आपने बोला मीडिया झूठ बोलती है, उन्होंने बहन बेटियों के बारे में बहुत कुछ दिखाया था, आपको क्या लगता है बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं डेरा सच्चा सौदा? मैं तो डेरा सच्चा सौदा जैसी सुरक्षा जो हमारी बेटियां हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, क्योंकि बेटियों के मुंह से हमने देखा, हमारे बच्चे काफ़ी समय से यहां आ रहे हैं, तो यहां कितनी सुरक्षा बेटियों की और परिवार की पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कहता हूं कहीं पर नहीं है। आपके जीवन में क्या चेंज आया जब से आप बाबा राम रहीम जी से जुड़े? इसके पहले आपके जीवन क्या था और बाद में कैसा जीवन पाया आप? मेरे जीवन में तो इतना चेंज है, पहले मैं नशे में धुत रहता था, सुबह से पीता था और पता ही नहीं, घर वाले देखते रहते कि हमारा घर में कब आएगा बंदा। कि किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी का बदलाव बताया कि बाबा राम रहीम जी के साथ जुड़ने से पहले इनकी क्या जिंदगी थी और बाद में कैसी जिंदगी है? पहले इनकी जिंदगी में नशा था और इनके पास संतान नहीं थी, बच्चा नहीं था, जो एक के लिए, एक पारिवारिक के लिए बहुत बड़ा दुख की बात होती है। और जब से बाबा राम रहीम जी से जुड़े और इन्होंने अपना नशा छोड़ दिया और 15 साल बाद इनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, किस तरह से बाबा राम रहीम जी ने, जो उनको मानते हैं, उनके साथ इंसानियत के कार्य करते हैं, उनके साथ ऐसे बेमिसाल करिश्मे किए हैं जो दुनिया के लिए एक बेमिसाल है, कि जो हमने देखा है हम वो बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम जी के बारे में। आप लोग भी सोचिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।